हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है राम कॉन्ट्रैक्टिंग में। आज मैं आपको कुछ एलिवेशन टाइल्स की सैंपल बताऊंगा। सबसे पहले ये ऊपर के दो सैंपल हैं, ये अलग है और ये अलग है, 1x2 की साइजिंग की मैट फिनिश में है ये, और 1x2 की साइज में ये नीचे है। दूसरा बताता हूँ अभी आपको, ये 1x1.5 की साइज़ है, 12 इंच बाय 18 इंच की ग्लोसी फिनिशिंग है इसकी, ऐसा चिकना है कहने का मतलब ये, और ये थोड़ा सा रफ है, ये नीचे का रफ है और ऊपर का थोड़ा चिकना है, जिसको ग्लोसी फिनिशिंग बोलते हैं इसको, और इसको मैट फिनिश बोलते हैं। ये अपन बाहर दीवार में, मेन फ्रंट का जो दीवार रहता, दरवाज़ा एंट्री रहती, वहाँ अपन लगा सकते हैं इनको, और भी बहुत सी जगह पे अपन यूज़ कर सकते हैं टाइल को। ये भी ग्लॉसी फिनिशिंग में है, 12 इंच बाय 18 इंच की साइज है इनकी, और ऐसे ब्रेक पैटर्न में इसका डिज़ाइन दिया हुआ है। और एक ये नीचे है, इसमें 6 इंच का ब्रेक पैटर्न लिया हुआ है, ये सभी में आपको एलिवेशन जो दीवार की टाइल रहती वो बता रहा हूँ आपको, जो मेन फ्रंट में अपन लगाते बाहर वो टाइल है। और भी अपन बहुत जगह यूज कर सकते हैं इनको। एक ये सैंपल है, इसमें भी वही 6 इंच का है, और ऐसे नॉर्मल पत्थर का डिज़ाइन है इसमें। दूसरा और बताता हूँ आपको भी, ये ग्लॉसी फिनिशिंग में है, और ऊपर का जो देख रहे हो वो मैट फिनिश में है, 1x1.5 की साइज ही इनकी, और ये नीचे का भी मैट फिनिश में है। ये भी मैट फिनिश में आ गया, ये रफ है एकदम, ये काफ़ी सुंदर लगता है। इसका मैं एक वीडियो और बना के बता दूंगा आपको, ये लगाया हुआ है टाइल। और ये ऊपर मैट फिनिश में है, एक वुडन फ्लोर जैसी डिजाइन है उसमें, और ये नीचे है एक सैंपल। ये ग्लॉसी फिनिशिंग में है और ये मैट फिनिश में आ गया अपना। और ये ग्लॉसी फिनिशिंग में आ गया अपना, और ये भी ग्लॉसी फिनिशिंग में है। इसका एक वीडियो है मेरा जो आप देख सकते हैं, 2-3 दिन पहले डाला था मैंने इसका एक वीडियो, ये टाइल का कैसी लगती है दीवार में, जो एलिवेशन में लगाई हुई है ये टाइल। और एक सैंपल ये है, दूसरा ये है अभी मैट फिनिश में, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भी ऐसी वीडियो मैं आपको बताते रहूँगा आने वाले टाइम में।